बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सऊदी अरबी खस्ता बनाने लगा था, सोचा आपको भी दिखा दूँ। और प्याज तीन प्याज के कतले काट के, दो चम्मच खाने के पकाने के दो चम्मच ऑयल डाल के, और थोड़ा सा उसमें पानी डाला है। हमने प्याज को लाल नहीं करना है, बल्कि फीकी फीकी जला लेना है, गल लेंगे कतले में। और अब इसमें मसाले डालने हैं, धनिया और साबुत धनिया और जीरा इसके दो चम्मच दोनों को मैंने अपने प्याले में ग्राइंड कर लिया मोटा मोटा। और जनाब आली इसको भूनेंगे, हम भूनते जाएंगे, मसाले डालते रहेंगे। गरम मसाले साबुत, जिसमें दालचीनी के टुकड़े, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंगे और जनाब तेजपात, ये भी मैंने डाल दिया। और इसको भी साथ साथ भूनते रहेंगे। अगर आपके पास हो तो ये अरबियन मसाला है, ये भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। इसको भी मैं आधा चम्मच, क्योंकि मसाले पड़ते हैं तो आधा चम्मच थोड़ा सा उसमें पानी डालेंगे और भूनते जाएंगे। ये गोश्त पकाने के लिए मसाले हो रहे हैं, ही गोश्त पकेगा। और जब गोश्त गल जाएगा, चावल अलग से गले जाएंगे। और इसमें एक चीज़ जो है वो गाजर गलेगी, चीज के आखिर में गाजर गलेगी। दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, तमाम चीज़ें डल चुकी। अब डलेंगे इसमें गोश्त और टमाटर, टमाटर को सबसे लास्ट में डालेंगे और गाजरों को लास्ट में डालेंगे। अब उसमें मैं डालता हूँ गोश्त, पौने दो किलो गोश्त है बकरे का, चर्बी वाला, चर्बी क्योंकि इतना है मज़ा देगा। पौने दो किलो गोश्त, दो किलो गोश्त, जितना गोश्त उससे तकरीबन आधा किलो कम चावल होगा। गोल भी बन चुका, और इन सबको हमें एक जगह ऐसे मिला देंगे और डालेंगे इसमें पानी। पानी इतना डालना है कि पानी ज़्यादा रहे नहीं बाकी, और गोश्त हमारा गल जाए। और गलेगा नमक भी थोड़ी, ये इसकी सीटियाँ बच जाए गोश्त की, उसके बाद नमक डालना है, वरना नमक गोश्त को गलने नहीं देगा। गोश्त हमने बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह गला देंगे। कच्ची दाल हुई, खुद हुई, प्याज में मसाले डालने के बाद गोश्त डाल दिए। अब उसमें तकरीबन दो गिलास जो है बड़े वाले पानी डाल दूँगा। अभी इसमें नमक और टमाटर बाकी, और इसको गला लेंगे अच्छी तरह ढक्कन लगा के कुकर का, 15 मिनट तकरीबन से 20 मिनट आधा घंटा लगेगा। गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा, शोरबा थोड़ा मुख्तसर सा रह जाएगा। फिर हम चावल इसके अंदर और टमाटर और गाजर और नमक ये चीज़ें मिलाएंगे। मैं आपके सामने ढक्कन लगा देता हूँ इसका, तमाम चीज़ें माशाल्लाह। अभी से कुछ दिन से हमने ढक्कन लगा दिया। इसके अलावा आज जो चीज़ें बनी हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज बेकिंग के पफ बने थे, पफ पेस्ट्रीज बनी, ये पूरी थाल है जिसके ऊपर ये बने हैं, और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको मैं लिख दूँगा। इसके अलावा बनाना केक बनाया, इसके अलावा बनाना केक बनाया था, बनाना केक इसकी भी रेसिपी मिल जाएगी, इसकी भी रेसिपी आप इंशाल्लाह मिल जाएगी। दूसरी तरफ खीर तैयार होगी, खीर पकड़ी
जो ही पक चुकी फिर आपको दिखाऊंगा। हमारी यखनी तैयार हो चुकी, गोश्त गल चुका है, अब इसको गोश्त को हम अलग कर देंगे, शोरबे को निकाल देंगे। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है क्योंकि इसमें तमाम गरम मसाले पड़े हैं। अब जो शोरबा है इसके अंदर ही चावल उबालने के बाद हाफ कुक करने के बाद इसमें डाल दूँ तो ये शोरबा उसी के अंदर चला जाए। जनाब गोश्त मैंने अलग कर दिया और गोश्त का जो शोरबा वो अलग कर दिया ताकि इसके अंदर चावल पकेंगे। फिलहाल चावलों को पानी के अंदर नमक डाल के सिर्फ चावलों को थोड़ी देर हाफ कनी आधे गल जाएंगे और उसको निकाल के फिर वो जो हमने शोरबा निकाला उसको डाल के उसको गला देंगे और उसको दम गोश्त रख के फिर उसको दम पे लगा देंगे। तो हमारे काबली कब्सा बिरयानी तैयार हो जाएगी। हम चावलों के तेल लगा रहा हूँ मैं और मैंने चावलों के साथ उसका सूप जो पहले ही निकाला था वो ये सूप था, उसको मैंने एक डोंगा ये एक इतना कप जो है सूप डाला और चावल डाले और इसकी एक तह लगाई और उसके ऊपर हमारा बनाया हुआ गोश्त जिसको हमने निखार लिया था इसका सूप में चावलों में डाल दिया वो लगा रहा हूँ और इसमें डलेगा जनाब अली आगे एक और चीज़ को दिखाता हूँ आपको इस तरह गोश्त डलेगा और चावलों की तह लगेगी। ये बिल्कुल ऐसी जिस तरह हम बिरयानी की तह लगाते हैं उसी तरह लगाते लगाएंगे। अब दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, मैंने दो चम्मच बटर लिया है और बटर के अंदर जनाब गाजर किस के एक गाजर ये हम डालेंगे तलेंगे इसको। गाजर के साथ मैं डालूँगा आपके पास ड्राई फ्रूट हो तो वो डालिएगा, जितने ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ बादाम और किशमिश डालूँगा और इनको थोड़ा सा तलूँगा ताकि ये नरम हो जाए और इसमें तलेगा बादाम और किशमिश। चना थोड़ा सा ये इसमें पानी डालते हैं ताकि जल्दी नरम हो जाए, थोड़ा सा पानी डालिए और मैं इसको थोड़ा सा गलने दूंगा। अब जनाब अली वो जो मैंने गाजर बादाम और किशमिश फ्राई की थी उसको थोड़ा मिक्स करते जाएंगे, जस्ट डालते हैं थोड़ा सा नमक डाला है नमक कमी देना डल गए माशाल्लाह तबारक और अब फिर दोबारा चावल मिक्स करेंगे। अब इसके ऊपर फिर चावलों का मिक्स किया हुआ सूप के साथ मिक्स किया हुआ मटेरियल डालेंगे और तेल लगा देंगे इसको भी। इसी सूप में ये दम होगा, इसी पानी में सूप के पानी में ये दम होगा। आपको दिखाई दिया था इसमें गरम मसाले डाले हैं और कूटे हुए भी मसाला था जो बाजारी मसाला था वो भी डाल दिया, इसको अरब मसाला कहते हैं। अब इसके ऊपर दोबारा हम गोश्त तमाम गोश्त को फैला देंगे और उसके ऊपर जनाब अली हमारी बादाम और गाजर इसको फैला देंगे। बटर और थोड़ा सा नमक की कमी है नमक छिड़क दूंगा, मैंने चखा है नमक की कमी, वैसे भी हमारे घर में नमक कम खाने वाले लोग हैं
लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही कम है, तो नमक डाल देंगे जनाब। ये भी डल गया, अब नमक डलेगा और नमक के साथ बाकी सूप और चावल जो बाकी है। नमक डाल दिया जनाब, मैंने क्या ले रहे सूप और चावल, सूप और चावल। बस इसको अच्छी तरह पैक करूँगा, ऊपर कपड़ा रखूँगा गीला, उसके ऊपर ढकना रखूँगा, ऊपर वजन रखूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सब कद अल्लाह, सारी तंग अल्लाह की, सारी चीज़ें अल्लाह की, और अल्लाह ही चाहता है वो चीज़ें वैसे ही पकाता है, पकवाता है। यह ना ये तरीका है इसका। अब इसके ऊपर कपड़ा और लगा के और मैं दम दूंगा, और जब खोलूंगा तो आपको दिखाऊंगा। जी जनाब, भूख लगी, बहुत सख्त लगी है, तो इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। अभी मेरे दो घर वाले हैं, वो बाहर निकालेंगे। अभी मुझे लगी है सख्त भूख, और माशाल्लाह तबारकल्ला, आप देख रहे किस तरह का रंग आया, ज़बरदस्त बने, इंशाल्लाह टेस्ट भी ज़बरदस्त होगा। तो मैं जनाब आली आपको दिखाऊँ, ये देख गोशी गोश चावल, ये खफसा है, और काबली पुलाव भी हो सकता है, और काबली बिरयानी भी हो सकती है। इसमें थोड़ा सा रंग ज़्यादा है, तो काबली पुलाव या पुलाव कह सकते हैं, काबली है। इसमें बादाम है, और ये जनाब अली गाजर है, और किशमिश है, और गोश्त पचाओ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लाइक और सब्सक्राइब अंतर कर लीजिएगा, इसकी रेसिपी हो सकता है मैं लिख दूँगा इंशाल्लाह।